हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल, आप सभी का आज के एजुकेशनल वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की शुरुआत कैसे हुई, तथा इसको बनाया किसने। इसको एक सतोशी नाकामोटो नाम के एक डेवलपर ने बनाया। उन्होंने 2007 में इसकी एक कोडिंग लिखना शुरू की। तो कोडिंग लिखते लिखते 2008 तक पहुंच गए और 2008 में उन्होंने बिटकॉइन वेबसाइट के नाम से एक डोमेन रजिस्टर करवाया। तथा इसमें पहले 2 साल तक इसमें लेन देन होने में समय लग गया। 2 साल तक इसमें कोई लेन देन नहीं हुई। फिर 11 जनवरी 2009 को एक प्रोग्रामर हेले फिची ने सबसे पहले एक बिटकॉइन को खरीदा। फिर धीरे धीरे यह चलन में आ गया। यह एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब इस पर ना तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, ना ही कोई बैंक रूल करती है। मतलब यह एक डिजिटल करेंसी है, किसी को खरीदने बेचने में किसी मध्यस्थ सेंटर में कोई नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप की जो करेंसी, इसमें बीच में कौन होता है, बैंक होती है। बैंक में आप पैसे जमा करते हैं और वही बैंक अपने पैसे को किसी को लोन दे देती है, मतलब उसका उपयोग करती रहती है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता, इसमें कोई डिसेंट्रलाइज नहीं होता। मान लीजिए आपका जो पैसा है उस पर लिखा हुआ है 200 रुपए, तो ये जो सिस्टम है ये कौन सेव करता है, रिजर्व बैंक करती है। इस पर रिजर्व बैंक का पूरा अधिकार होता है और हम उस पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जबकि वो कुछ है नहीं, ये कागज का टुकड़ा है। फिर भी हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या है कि केंद्र द्वारा निर्धारित है, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित है, और उस पर किसकी सिग्नेचर होता है, गवर्नर। वो हमको विश्वास दिलाता है कि आपका 200 रुपए का नोट है 100 रुपए का नोट है। इस प्रकार हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। और ये जो बिटकॉइन है, या इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि यह एक क्रिप्टो करेंसी पर आधारित तकनीकी, तथा इसे डिजिटल करेंसी भी कहता है, क्योंकि इसमें लेन देन की सारी जानकारी को इंक्रिप्ट करके डाटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है। यह एक ब्लॉकचेन पर आधारित तकनीक है, तथा इसमें अलग अलग ब्लॉकचेन में अलग अलग जानकारी होती है और हर एक ब्लॉकचेन का अलग से सिग्नेचर होता है। फिर आप सोच रहे होंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर अपने पास पैसा था, नोट थे, तो फिर इसकी बिटकॉइन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ऐसा है कि इसकी सहायता से आप बिना किसी बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकते हैं, बिना बिचौलियों के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी, लोग इसकी सहायता से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अब जानते हैं भारत में क्रिप्टो करेंसी की क्या स्थिति है। भारत में वैसे तो क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की प्रतिबंध हटा दिया, आरबीआई की बैन को हटा दिया, क्योंकि यह बैन आरबीआई द्वारा लगाया गया था। और उसने कहा है कि भारत अपनी क्रिप्टो करेंसी ला सकता है, लेकिन इसका बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जाने तो दुनिया में 150 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, लेकिन अभी हाल ही में कल परसों की बात है, क्रिप्टो करेंसी में की जो वैल्यू है 17% गिर गई। क्यों? क्योंकि जो स्पेसएक्स कंपनी के जो मालिक सीईओ है, वो कौन है, एलन मस्क ने कहा है कि टेस्ला कार को खरीदने के लिए अब बिटकॉइन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पहले तो कह दिया था कि अब बिटकॉइन से टेस्ला कंपनी किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, कार वगैरह वो खरीद सकते हैं, लेकिन अब नहीं कर सकते। तो उससे क्या हुआ, क्योंकि उनका यह कहना है कि बिटकॉइन से माइनिंग और ट्रांजेक्शन के लिए बहुत सारे जीवाश्म, यानी कि कोयला, पेट्रोल, गैस वगैरह आदि की बहुत सारी आवश्यकता होती है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। और कहा है कि बिटकॉइन का भविष्य, क्रिप्टो करेंसी का भविष्य काफी उज्ज्वल है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसको उन्होंने बंद कर दिया। तो हमने बिटकॉइन के बारे में सारी चीजें डिटेल से जान ली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। आप इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।